मन कहां से पैदा होता है? मानने से। जो भी आज तक आपने माना है वो आपका मन है। मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, व्हाटएवर, मैं इसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं, व्हाटएवर, जिसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मान लिया। तो मन कहां से पैदा हुआ? मानने से, समझने से। जो इस दुनिया ने समझा दिया आपने मान लिया, कभी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं। अब मानने में दो तरह की चीजें हैं, एक तू है, एक मैं हूं। जो मैं से रिलेटेड सब कुछ है उसको अहंकार बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। ये असली जड़ है प्रॉब्लम की। मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो लेटेस्ट सेशन है वो देखा आप लोगों ने, हाउ टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स, उसका कुछ लोग मतलब ये निकाल रहे हैं कि मेमोरी प्रॉब्लम है, मेमोरी से कैसे पीछे छुड़ाएं। मेमोरी प्रॉब्लम थोड़ी है, मेमोरी में बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी है जिसको आपने माना नहीं है, पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ है जो आपने मान लिया है, पकड़ लिया है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मान लिया ना, पकड़ लिया ना। अब जब तक इसको नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ और कैसे बन सकते हो? इसको छोड़ने के लिए आपको कुछ और पकड़ना पड़ेगा। उसमें ट्रैप क्या है? आप कुछ और बन जाओगे, कुछ ना कुछ बनते रहोगे, विच इज एन एंडलेस साइकिल, हम घूमते रहेंगे। ना समझी में हमने ऐसी ऐसी चीजें मान ली है, ये मानने की वजह से तो ये टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कभी सोचा है? एक्चुअल में टेररिस्ट कहाँ है? माँ के पेट से कोई टेररिस्ट निकलता है? ना समझी की वजह से, अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से उसने कुछ ऐसा मान लिया है जो सच नहीं है। वो हेटरेड उसके अंदर भर गई है जिस वजह से वो सब कुछ हो रहा है। अब कर्म का यहां पर कहां पर रोल आता है कि उसके पास में हमेशा एक चॉइस है कि अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि अपने मन के अकॉर्डिंग चलना है, या अपनी समझ के अकॉर्डिंग। मन हम पे जितना हावी होता चला जाता है, यानी कि हम जो मानते हैं वो जितना हावी होता चला जाता है, हमारी बुद्धि उतनी ही बुरी हालत में जाती चली जाती है। बिना मेमोरी के कैसे देखते हैं? मैंने कहा बिना मेमोरी के देखो, कितना सिंपल है। अभी मैं आपको देख रहा हूं, एक तरीका है, मैंने आपको एज इट इज देखा, यू आर नथिंग बट अ बॉडी, अ बॉडी विच इज सिमिलर टू दिस बॉडी, बात खत्म हो गई। आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, ये बॉडी भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती है, हर बॉडी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती है, सब यही चाहते हैं। ये क्या है? ये मैं मेमोरी के थ्रू देख रहा हूँ या अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देख रहा हूँ? अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देख रहा हूँ, विच इज अ फैक्ट। मेमोरी इज वॉट? इट्स एन इल्यूजन। समझ आ रहा है? जब ऐसे हम देखना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, इसको विवेक बोलते हैं, इसको बोलते हैं द आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आई ऑफ विजडम। नाउ वी आर वाइज इनफ टू सी एज इट इज। क्वेश्चन क्या पूछना है बार बार अपने आप से? हु एम आई? दैट इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब तक आप ये नहीं पूछ रहे तब तक आपके स्पिरिचुअल पाथ की शुरुआत ही नहीं हुई है। आपने मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, आप में और उस संसारी में कोई फर्क नहीं है भाई। किस गलत फहमी में हो? कोई चीजों से चिपका हुआ है? आप ध्यान से चिपके हुए हो। ध्यान इन व्हाट वे? एक्सपीरियंसेस। चीजों से क्या मिलता है? चीजों से कौन चिपकता है? कोई पैसे से चिपकता है क्या? पैसे से जो मिलता है उसको खरीद करके उससे जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उससे आदमी चिपकता है। तो अल्टीमेटली लोग भी एक्सपीरियंस से चिपके हुए हैं, आप अंदर के एक्सपीरियंसेस से चिपके हुए हो। यहाँ ये देखना है, वो देखना है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। किसी ने इन एक्सपीरियंसेस को पकड़ लिया और बस वहीं पे चिपक गए, मैं एनलाइटेंड हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये एक्सपीरियंसेस हुए। बड़ा मजा आता है भाई, ईगो को बड़ा मजा आता है बोलने में, है ना? जबकि एक्सपीरियंसेस का और एनलाइटनमेंट का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। कोई बाहर चीजों से चिपका हुआ है, मैं अमीर हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास में इतने सारे कागज के टुकड़े हैं जिसको पैसा बोलते हैं। नकली, दोनों नकली। असली क्या है? आपको एक्सपीरियंसर को ढूंढना है कि सारे एक्सपीरियंसेस में से जो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं उसके साथ में एक एक्सपीरियंसर उठता है, आता है जाता है, आता है जाता है। थॉट आया कि मैं सुन रहा हूं, ये भी एक थॉट है, ठीक है। उसके साथ में एक थिंकर पैदा हुआ, वो जो आवाज थी वो गई, थॉट गया, थिंकर गया, फिर एक नया थॉट आ गया कि मैं देख रहा हूं, अंदर मुझे लाइट दिख रही है, ये क्या है? एक थॉट है। मुझे लाइट दिख गई, किसे दिख गई पूछो? उसी को दिखी जिसको अभी थोड़ी देर पहले नहीं दिख रही थी।
लेकिन जिसको लाइट नहीं दिखी उसमें ईगो का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईगो का इंटरेस्ट किसमें है? उसमें जिसको लाइट दिखी, क्योंकि वो स्पिरिचुअली अमीर है। अरे ओ आदमी तो वो का वही है ना, आते तो वो की वही हैं, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में चले गए, वही हरकतें कर रहे हैं अंदर जाके भी। ये नहीं पूछ रहा हूं एम आई, मैं कौन हूं। जो लाइट आई और गई वो मैं कैसे हो सकता हूं, जो एक्सपीरियंस आया और गया वो मैं कैसे हो सकता हूं, चाहे कितना भी अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, कमाल का हो, उसके बाद मैं 10 घंटे तक बैठ करके रोया हूं, वो भी मैं कैसे हो सकता हूं। और इस चीज की क्या गारंटी है कि आज मैं सुख से रो रहा हूं उस एक्सपीरियंस के बाद, कल कोई और एक्सपीरियंस नहीं होगा और मैं दुख से नहीं रहूंगा? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो क्या उस वक्त मैं अनएनलाइटेंड हो जाऊंगा अगर मैं इस एक्सपीरियंस की वजह से एनलाइटेंड हुआ तो? या फिर मुझे यह समझना है कि बचपन से लेकर आज तक ये जो अरबों खरबों एक्सपीरियंसेस हुए, ऐसा क्या था उन सारे एक्सपीरियंसेस में जो नहीं बदला? आपकी कॉन्शियसनेस, जिसको आप कॉन्शियसनेस बोलते हो, वो बदलती रहती है। आप जग जाते हो, आप सो जाते हो, आप सपना देखने लग जाते हो, ये बदल रही है, ये मिली जुली कॉन्शियसनेस है। जिस दुनिया के साथ मिल गई उसको कहते हैं जागी हुई कॉन्शियसनेस, जो सपनों के साथ मिल गई उसको बोलते हैं सपनों के साथ मिली हुई कॉन्शियसनेस। जो लगता है कि मिली है, एक्चुअल में नहीं मिली, मिली होती तो वो कभी उस सपने से बाहर ही नहीं आ पाती। ये एक स्टेट आई जगने की, ये गई, उसके बाद में सपना आया गया, गहरी नींद आई गई, इन सब में जो इतना सा भी नहीं बदला, जो ना आया ना गया, ये सब क्या हुआ? पैदा हुआ मरा, पैदा हुआ मरा। समझ आ रहा है? आपके पास में जो एक्सपीरियंस आ जाता है आपकी कॉन्शियसनेस वैसी ही हो जाती है, उसी रंग में रंग जाती है। एक क्रिस्टल है जिसके पास जो रंग आ गया उस पर वो रंग चढ़ा हुआ दिखता है, एक्चुअल में नहीं चढ़ता, कभी लाल चढ़ा हुआ दिखता है, कभी नीला, कभी हरा। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई अच्छा एक्सपीरियंस आ गया तो कॉन्शियसनेस कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। आप ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दो जो बिल्कुल शांत है, पीसफुल है, संत है, महात्मा है, क्या होगा? शांत हो जाओगे। यानी कुछ पीसफुल हो रहा है अभी आपके साथ में, जिसकी वजह से आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और उस कॉन्शियसनेस को आप मैं समझ रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दो जो लालची है, मतलब कि जिनकी रग रग में लालच भरा हुआ है, पैसे के अलावा उनकी बात कहीं से शुरू नहीं होती और कहीं पर खत्म नहीं होती। उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना पैसा है, मेरे पास पैसा कैसे आएगा, पैसा पैसा पैसा, बस क्या होगा? आपकी कॉन्शियसनेस उसी रंग में रंग जाएगी। कब तक रोक के रखोगे? करो कोशिश, देखना, धीरे धीरे उसकी परछाई आपके ऊपर पड़नी शुरू हो जाएगी, उसका रंग आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मन, उसमें रंग जाता है जो इस मन के आसपास में होता है, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो। आप ये ढोंग कर सकते हो कि नहीं रंगा है, क्योंकि आप सच को ना देख करके आप झूठ को देख रहे हो, अपनी एक ऐसी इमेज को देख रहे हो जो सच नहीं है। एक्चुअल में रंग गया है लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो, आंख बंद कर ली है। आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पागलों की तरह गुस्सा करते हैं, क्या होगा? अंदर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? हो ही नहीं सकता ना आए, हो ही नहीं सकता ना आए, आना ही आना है। लेकिन ज्ञान क्या है? यह जानना ये जो गुस्सा जिसको आ रहा है एक थॉट है, एक नदी बह रही है। आपको यह समझ आ गया कि मैं उस नदी में उठ रहे बुलबुले नहीं हूं, आते जाते बुलबुले, थॉट्स। इस नदी में बड़ी बड़ी जो लहरें उठ रही हैं वो भी मैं नहीं हूं, यानी कि ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस सेंसेशंस, सटल सेंसेशंस। मैं पानी हूं, फर्क आ रहा है? सोच में फर्क आ रहा है? मैं कोई ख्याल नहीं हूं, ख्याल आया और गया, वो ख्याल, वो थॉट, वो फीलिंग, वो सेंसेशन आई और गई, बनी और मिटी, पैदा हुआ और मरा। लहरें, वो भी मैं नहीं हूं। इन लहरों में, इन बुलबुलों में, और इसके नीचे, इसके ऊपर, हर जगह जो पानी है वो मैं हूं।
तो अब क्या करना है इस दुनिया में हो, जब तक ये बॉडी है, यानी कि जब तक ये लहर है, तो क्या करना है, बह जाओ, पकड़ना नहीं है। जो भी पकड़ रहे हो इस लहर से रिलेटेड, वो सब एक ख्याल है। ये लहर बड़ी हो रही है, ये लहर छोटी हो रही है, ये लहर मर रही है, ये लहर पैदा हो रही है, इसके आसपास में लहरें आ रही है जा रही, जब तक आप उसको पकड़ते हो तब तक वो बदल चुकी है। जिसको आपने पकड़ा है वो मुर्दा है, जो जिंदा है उसको आप देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप बह नहीं रहे हो, आप रुक गए तो मर गए। रुक करके अगर आपने लहर की एक पोजीशन को पकड़ लिया तो आप वो ही बन गए, आप वहीं अटके हुए हो, लहर तो वहां जा चुकी है, आप वहीं अटके पड़े हो, आपने उसी को पकड़ा हुआ है। जिस बॉडी को आप मैं बोलते हो, उसको ध्यान से जाकर के शीशे में देखो, मैं मतलब कौन सी बॉडी, वो जब ये बॉडी इतनी छोटी थी या इतनी बड़ी या इतनी बड़ी, कौन सी बॉडी मैं हूं, किस मैं की आप बात कर रहे हो। जब तक अपने आप को शीशे में देखते हो आप, तब तक ये बॉडी बदल चुकी होती है। समझ क्यों नहीं आ रही है बात, कितनी सिंपल है समझना। तो आप किसको पकड़ रहे हो और किसको छोड़ रहे हो। जिस वक्त आपकी समझ में आप पानी हो तो आप शांति से बैठे हुए हो, कुछ करने के लिए है ही नहीं। पानी क्या करेगा, पानी क्या करता है, पानी क्या कर सकता है। गर्म हवा के चलने से लहरें पैदा होती हैं, अपने आप पैदा होती हैं, अपने आप मर जाती हैं, पानी क्या करता है। जिस वक्त आपकी समझ या किसी वजह से, आप कोई काम कर रहे हो तो आपको अपनी समझ वहां पे लगानी होगी, गाड़ी चला रहे हो तो समझ तो लगानी होगी। उस वक्त ये नहीं समझ में बिठा सकते कि मैं पानी हूं, अब बेवकूफी है ये करना, क्लियर हो रहा है। तो जिस वक्त आपकी समझ लहर में है तो क्या करना है, यानी कि कोई काम कर रहे हो तो क्या करना है, कर्म योग का एसेंस क्या है, बह जाओ, रुको मत। कर्म है बहना, ज्ञान है ये जानना कि चाहे लहर है या नहीं है, मैं लहर नहीं हूं। बुलबुला है या नहीं है, मैं बुलबुला नहीं हूं, पानी हूं।